जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण से मुस्लिम युवक भी काफी खुश हैं। ऐसे ही कई मुस्लिम युवक पैदल ही अयोध्या पहुंच गए और भगवान राम का दर्शन किया। प्रयागराज से काफी युवक लखनऊ से अयोध्या पैदल ही रामलला का दर्शन करने गए थे। लखनऊ से अयोध्या 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन इन सभी लोगों ने 6 दिन की यात्रा करके भगवान राम का दर्शन किया और मंदिर का भ्रमण भी किया। रामलला का दर्शन करने वाले राहिल हसन बताते हैं कि भगवान राम सबके हैं और एक अच्छा संदेश देने के लिए अयोध्या तक पैदल यात्रा की थी, ताकि लोग आपसी वैमनस्य भूलकर एक रहें। ये 150 किलोमीटर लखनऊ से अयोध्या की दूरी थी लगभग, और जिसको 6 दिनों में पैदल यात्रा पूरी की। और लगभग 25 किलोमीटर पे हम लोग रुक जाते थे और विश्राम करने के बाद अगले दिन सुबह फिर हम लोग निकल जाते थे। तो इस तरह धार्मिक सद्भावना की यात्रा को हम लोग ने अयोध्या जाकर पूरा किया, रामलला जी भगवान रामलला के दर्शन करके जो है। अच्छा, क्या अनुभूति लेकर गए थे वहाँ, क्या सोचे गए थे कि पैदल ही जाना है? पैदल इसलिए कि एक संदेश जाए समाज में कि देखिए हम लोग वहाँ गाड़ियों से भी पहुंच सकते थे, सारी सुविधाएं थी, वीआईपी दर्शन सब कुछ करने को मिल सकता था, लेकिन ये संदेश देना चाहते थे कि जो सोच है, जो हम लोग की नफरती पार्टियां जो हम लोग को लड़वाती हैं हमेशा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा के, मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा के, विभिन्न कोई आज तक में किसी ने सोल्यूशन निकाला, किसी ने कोई हल निकाला? बाबरी मस्जिद का मामला इतने टाइम से कहते थे लोग कि खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार ने खून, एक बूंद खून भी नहीं बहने दिया और सारी समस्या का हल हो गया। और कश्मीर 376 से लेकर जितने भी इस तरह के विवादित मुद्दे थे जिसमें खून की नदियां बहने की बात करते थे, वो सब ऐसे हल हो गए कि एक बूंद खून भी नहीं निकला और सारे लोग खुशी खुशी समाज एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुस्तफा अहमद और राशिद सहित काफी मुस्लिम अयोध्या पैदल गए थे। राशिद और मुस्तफा बताते हैं कि भगवान राम में उनकी आस्था है, क्योंकि उन्होंने सत्य की राह लोगों को दिखाई थी और भगवान राम के आदर्श को अपनाकर लोग समाज में भाईचारा बढ़ा सकते हैं, इसलिए पैदल अयोध्या जाकर उन्होंने इसका संदेश दिया है। मुस्लिम राम भक्तों के मुताबिक रामलला का दर्शन करने से उनको एक सुखद अनुभव का एहसास हुआ है, और जो लोग राम के नाम पर मुसलमानों को बरगला रहे हैं, उन्हें भगवान राम के त्याग के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे युवाओं को संदेश देते हैं कि आप दिग्भ्रमित ना होइए, जो लोग आपको बहकाते हैं, जो आपको धार्मिक उन्माद की ओर ले जाते हैं कि इस तरह की चीज़ें करके आप आपको बेरास्ता करते हैं। देखिए आपको जो है धर्म जो बताता है, इस्लाम धर्म की सबसे मोहब्बत करो, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखो, अपने रिश्तेदार नातों का ख्याल रखो, तो सब लोग मिलजुल के रहते हैं। अब अच्छा, ये व्यापार करने में नहीं हम लोग हिचकिचाते हैं, हमारा फायदा हो तभी हिंदू भाई से 500,000,00,000,00,000 जितने भी सौदा वो कर लेंगे। खून लेना हो तो हम लोग खून ले लेंगे हॉस्पिटल से जाके, लेकिन यहीं आके हम लोग बदल जाते हैं कि मंदिर ना जाओ, मस्जिद ना जाओ, ऐसा क्यों? बिल्कुल, आप सोच बदलने का वक्त है। और मैं मुस्लिम समाज के सभी युवकों से कहूंगा कि सब लोग मिलजुल कर रहें, प्यार सब बहुत है।